नमस्कार दोस्तों, इजी नौकरी चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, टारगेट 9 अगस्त से हमारी सीरीज चल रही है, अंतिम दिनों की हम तैयारी कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य 20 में से 20 अंक प्राप्त करना। साइंस का भाग 13वां है और दोस्तों एक तरह का ये मॉक टेस्ट है। कोशिश करिएगा आप पहले क्वेश्चन पढ़िएगा और जो वीडियो है उसे पॉज कर दीजिएगा, उसके बाद अपने क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा और देख लीजिएगा आपके क्या मार्क्स रहते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, रॉकेट सिद्धांत किस पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, एवोगाड्रो परिकल्पना या संवेग संरक्षण? तो दोस्तों बेसिकली जो रॉकेट का जो सिद्धांत है ना, वो संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। वैसे संवेग का जो फॉर्मूला होता है ना, वो पी बराबर एम वी होता है, ठीक है, द्रव्यमान गुणा वेग। ठीक है, उत्प्लावन बल से जो संबंधित वैज्ञानिक कौन है? तो दोस्तों वो है आर्किमिडीज़। ठीक है, जब कोई वस्तु किसी जल में डुबोई जाती है और फिर ऊपर आने का आभास करती है, ये आर्किमिडीज़ का सिद्धांत भी इस पर कार्य करता है, पनडुब्बी भी इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति से होने वाला उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये उतार चढ़ाव डॉपलर प्रभाव कहलाता है। जब कोई स्रोत से जब कोई ध्वनि आवृत्ति आती है तो ऊपर नीचे इस तरह से श्रोता तक पहुंचती है, इसी प्रभाव को डॉपलर इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। परमाणु बम के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये एक तरह की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो द्रव्यमान ऊर्जा दोस्तों सापेक्षता का जो सामान्य सिद्धांत है ना, वो उससे रिलेटेड है। ठीक है, द्रव्यमान ऊर्जा का जो संबंध है ना, वो E=2 है MC²। ठीक है, छठवां सवाल है, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, ये कथन किसने दिया था? तो बेसिकली एडविन हब्बल के द्वारा दिया गया कथन है। ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों केपलर साहब ने ग्रहों के गति के संबंधित नियम को जो है प्रतिपादित किया था। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, किसका कथन था? तो दोस्तों ये कॉपरनिकस का कथन था कि जो अन्य जो सन है उसके चारों ओर जो है वो ग्रह जो है वो चक्कर लगाते हैं। तारों और सूर्य की ऊर्जा का क्या स्रोत है? तो दोस्तों तारों और सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। दोस्तों ये अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। ठीक है, दसवां सवाल है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों आर्किमिडीज़ के द्वारा लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत दिया गया था। पौधे में जीवन होता है किसने बताया था? तो दोस्तों जेसी बोस के द्वारा बताया गया था पौधों में जीवन होता है। आपने कहानी भी बचपन में पढ़ी होगी कि पौधे रोते हैं अगर उन्हें काटो, तो इससे कहीं ना कहीं इस बात को सिद्ध किया था कि पौधों में भी जीवन होता है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों आधुनिक एंटीसेप्टिक का जो जनक है ना, वो आपका जोसेफ लिस्टर को माना जाता है। स्याही सोखना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्याही सोखना दोस्तों बेसिकली परासरण सिद्धांत पर कार्य करता है। आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार मिला वो किसके लिए मिला? तो दोस्तों प्रकाश वैद्युत प्रभाव की इन्होंने बहुत अच्छे से व्याख्या की, उसके लिए मिला कि प्रकाश जो है क्वांटम के रूप में या क्वांटम के रूप में आता है और उससे रिलेटेड जो सिद्धांत हैं वो प्रतिपादित किए। पंद्रहवां सवाल है, डिजिटल कंप्यूटर के सिद्धांत पर आधारित क्या होता है? तो डिजिटल दोस्तों जितनी भी कैलकुलेशन है वो सब डिजिटल कंप्यूटर के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। सोलहवां सवाल है, अगर क्वार्ट्ज घड़ियाँ किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं? क्वार्ट्ज घड़ियाँ दोस्तों बेसिकली दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। सत्रहवां सवाल है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो दोस्तों फेराडे के नियम के अकॉर्डिंग विद्युत मोटर जो है वो कार्य करती है। अठारहवां सवाल है, परमाणु घड़ी निम्न में से किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो दोस्तों बेसिकली जो परमाणु घड़ी है ना, वो पीजोलॉजिक इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के कारण कार्य करती है। उन्नीसवां सवाल है, लेसर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो दोस्तों विकिरण के उद्दीपी उत्सर्जन के सिद्धांत पर लेसर जो है वो कार्य करती है। बीसवां सवाल है, रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों रेडियो तरंगों में अपवर्तन के सिद्धांत पर रडार की जो कार्यप्रणाली है वो आधारित है। इक्कीसवां सवाल है, हाइड्रोजन बम काय पर आधारित होता है? तो दोस्तों नाभिकीय संलयन प्रक्रिया जो कि अनियंत्रित प्रक्रिया होती है जिस पर हाइड्रोजन आधारित है, और अगर एक बार शुरू हो जाए तो बड़ा ही मुश्किल होता है इसे रोकना, तभी तो कहते हैं हाइड्रोजन परमाणु बम से ज़्यादा खतरनाक हाइड्रोजन बम है। लेंज का नियम किस पर आधारित है? तो दोस्तों द्रव्यमान संरक्षण पर ये
आधारित है। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यूरेनियम डेटिंग से जो है पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। 24वां सवाल है, जीवाश्म और पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों कार्बन डेटिंग, जिससे कि जीवाश्म और पेड़ों की जो आयु है वो ज्ञात की जाती है। 25वां सवाल है, स्टोक्स के नियम किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों बेसिकली द्रव में गिरती हुई गोली से रिलेटेड स्टोक्स के नियम है। 26वां सवाल है, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विमानांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है तो यह नियम किसका है? दोस्तों डेफिनेशन भी आपको याद रखनी है। तो दोस्तों बेसिकली ये ओम का नियम है, ओम्स लॉ जिसे कहते हैं हम। 27वां है, सल्फाइडों के अयस्कों के सांद्रण की विधि क्या कहलाती है? तो दोस्तों बेसिकली फेन प्लवन विधि से सल्फाइडों के अयस्कों का जो है सांद्रण किया जाता है। 28वां सवाल है, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी है? जो चुंबकीय अयस्क जो चुंबकीय गंदगी है या अशुद्धियाँ हैं उन्हें दूर करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाता है। 29वां सवाल है, प्राकृतिक वरण का सिद्धांत किस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो दोस्तों चार्ल्स जो डार्विन थे उनके द्वारा जैव विकास से रिलेटेड है प्राकृतिक वरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है मत किसने दिया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो हक्सले ने कहा था दोस्तों, जीव द्रव्य या साइटोप्लाज्म भौतिक आधार का मत है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो दोस्तों उत्परिवर्तन सिद्धांत ह्यूगो ड्रीवीज के द्वारा दिया गया, ठीक है। नेचुरल सेलेक्शन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? 32वां, ये दोस्तों सिद्धांत जरूर याद करने हैं। तो दोस्तों डार्विन ने ही नेचुरल सेलेक्शन का, ऊपर भी बात हो चुकी है, ठीक है। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो दोस्तों बीटल और टैंडम के द्वारा ये जो सिद्धांत है एंजाइम का सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया था। और हरगोविंद खुराना के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो हरगोविंद खुराना दोस्तों इन्होंने जीन में प्रोटीन का संश्लेषण किया था। वाटसन क्रम डीएनए का संश्लेषण से रिलेटेड है। तो दोस्तों ये मत लगाए ना हरगोविंद खुराना या वाटसन क्रम, ठीक है। दोस्तों ये साइंस का इंपॉर्टेंट क्विज था, आप इसे ज़रूर पढ़ के जाइएगा। क्विज अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।